हाय, आज मैं फिर से एक और मजेदार रेसिपी के साथ आई हूँ। वो है टोकरी चाट या कटोरी चाट, चटपटा चाट है। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी, तो चलो मेरे किचन पे और मैं बनाती हूँ टोकरी चाट। टोकरी चाट या कटोरी चाट बनाने के लिए पहले एक डो बना लेंगे। डो के लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया और उसमें 1/2 कप सूजी डाल देंगे। हम दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच कलौंजी, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। मिक्स कर दूंगी नमक को और कलौंजी को अच्छे से। और अब मैं डालूंगी घी, 2 चम्मच भर के घी डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मैंने घी डाला, ये एकदम खस्ता बने कटोरी मेरा। और आप लोग ऑयल भी यूज कर सकते हो। तो इसको अच्छे से सूजी और मैदे को अच्छे से मयमदार बना लिया। एकदम जब ये ऐसे मुट्ठी में बंद हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम गूंदेंगे। थोड़ा सा हल्का सा सख्त ही हम डो लगाएंगे, जैसे नॉर्मल रोटी के जैसा हम सॉफ्ट डो नहीं बनाएंगे। तो डो बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट रेस्ट कराऊंगी, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है, सूजी अच्छे से सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो चुका है और ये डो भी अच्छे से सेट हो चुका है, सूजी भी। तो अभी मैं पेड़ा काट लूंगी, जैसे पूरी तलते हैं हम नॉर्मल, वैसे ही पेड़ा काट लेंगे। क्योंकि हम कटोरी बनाएंगे तो ज्यादा बड़ा रोटी के साइज के नहीं चाहिए। पूरी की साइज के पेड़ा को थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के अभी बेल दूंगी। जिस साइज के कटोरी रहेगा उसी साइज के हम बेलेंगे, थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि कटोरी को कवर कर दे। ना ज्यादा पतला बेलेंगे ना ये मोटा भी रहेगा। इस साइज के कटोरी ले लूंगी मैं, इसमें मैं ऑयल लगा लूंगी अच्छे से। ऑयल लगा के ये जो पूरी बेला इसको इसके ऊपर डाल दूंगी और चारों तरफ से ऐसे मोड़ के कवर कर दूंगी। और फिर फोक से ना इसको छेद छेद कर दूंगी, क्योंकि ये जो पूरी है ये फूल जाएगा और कटोरी की शेप बिल्कुल खराब हो जाएगा। और अभी पलट के ये जो एक्स्ट्रा साइड है इसको ऐसे कटोरी के अंदर मोड़ दूंगी। अंदर मोड़ के थोड़ा प्रेशर दूंगी तो इधर से ये कट के निकल जाएगा जो एक्स्ट्रा है। ऑयल गरम कर लिया अच्छे से, गरम करके अभी मीडियम फ्लेम पे कटोरी को मैं छोड़ दूंगी कढ़ाई पे। और ऊपर से हल्के हाथों से ऑयल डाल दूंगी अच्छे से, पहले 2-3 मिनट पकने दूंगी। चारों तरफ घुमा घुमा के फ्राई करते रहेंगे तो अपने आप कटोरी को छोड़ने लगेगा। और जैसे ही ये छोड़ने लगेगा मैं कटोरी को धीरे से पलट दूंगी। जैसे मैं पलट दूंगी ये जो टोकरी है ये अलग हो जाएगा कटोरी से अपने आप। और फिर मैं ये जो कटोरी है इसको आराम से बाहर निकल लूंगी और कटोरी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी, एकदम अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर में तक। तो मैं ऐसे हल्का गोल्डन कलर ही रखूंगी। और ये मेरे कटोरी रेडी हो गया है और मैं इसको निकल लेती हूँ और मैं इधर रख देती हूँ। और ऐसे ही मैंने खूब सारा कटोरी भी बना लिया एक एक करके। टोकरी में डालने के लिए चाट बनाऊंगी, तो बॉयल आलू को छोटे छोटे कट कर लिया मैंने, आलू को बॉयल करके एक आलू को। फिर ये काला चना इसको मैं भिगो के 5-6 घंटा भिगो के उसके बाद प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक उबल लिया। एकदम ये बॉयल हो चुका है, मैश हो चुका है, तो ये भी मैं डाल दूंगी। अब मैंने ले लिया कुछ काबुली चना, इसको भी मैं भिगो के फिर 1 सीटी डाल के पानी में नमक डाल के इसको भी बॉयल कर लिया। इसको भी मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई ऑनियन, 4 चम्मच ऑनियन डाल दिया। बारीक कटी हुई टमाटर भी डालूंगी और बारीक कटी हुई काकड़ी भी डालूंगी। काकड़ी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चाट की। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के चाट मसाला, 1/2 लेमन जूस, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और बारीक कटी हुई पुदीना पत्ता भी। अब मैं डालूंगी रोस्टेड जीरा पाउडर 1 चम्मच भर के, नमक 1 चुटकी डालूंगी क्योंकि
चाट मसाले में ऑलरेडी नमक रहता है, टेस्ट करके फिर नमक डालना पड़ेगा। अब मैं इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स कर लिया अच्छे से, बहुत ही टेस्टी चटपटा खुशबूदार चाट बन के रेडी हो गया मेरा। इसको भी अभी मैं रखती हूँ साइड में। मैंने एक कटोरी में 5-6 चम्मच दही ले लिया, उसमें मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच शुगर और 1 चुटकी नमक। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो अभी ये जो टोकरिया कटोरी ले लिया हमने, अब उसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ये चाट। अब मैं डालूंगी दही। फिर मैं डालूंगी धनिया और पुदीना की चटनी। और फिर मैं डालूंगी टोमेटो केचप। मैं डालूंगी ऊपर से बारीक काटी हुई काकड़ी। फिर मैं डालूंगी बारीक काटी हुई ऑनियन। और फिर मैं डालूंगी बारीक काटी हुई टमाटर। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, ये चाट है जिसे आपको चटपटा लगे। और मैं डालूंगी बारीक काटी हुई हरा धनिया पत्ता, पुदीने के पत्ते भी। अब मैं डालूंगी भुना जीरा पाउडर। अब मैं डाल दूंगी सेव। फिर से मैं डाल दूंगी दही। फिर मैं डाल दूंगी टोमेटो केचप। और मैं डाल दूंगी ये पुदीना और धनिया की चटनी। अब मैं डालूंगी ऊपर से अनारदाना। तो प्लेटिंग भी कर दिया मैंने चाट को असेंबल करके। एकदम इजी होता है टोकरी या कटोरी बनाना, तो आप लोग ऐसे बनाओ कटोरी चाट। बना के खाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये चटपटा सा रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।